नमस्कार सब, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ऐसे बेहतरीन स्टेप्स जिनका इस्तेमाल आप अपने गरबा डांस, डांडिया डांस में कर सकते हैं और अपने डांस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने गरबा में अपने पैर कैसे चलाते हैं। तो वैसे मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपका डांस के लिए जो पैर चलता है वही गरबा में भी आपका पैर चलता है। आपका राइट फुट जो है वो आधा हवा में है, ये आप देख सकते हैं, मेरी एड़ी जो है वो ऊपर है और आधा हवा में मेरा पैर है और मेरा जो लेफ्ट फुट है वो पूरी तरीके से ज़मीन पे रहेगा। ये पोस्चर इस तरीके से रहता है और आप अपना डांस भी जो करते हैं तो पैर जो है वो आपके इसी तरीके से रहते हैं, तो यही रहेगा हमारा डांस में भी पैर, जो भी हम गरबा के स्टेप्स करते हैं उसमें भी। तो पहला जो स्टेप होने वाला है उसके लिए आपको अपने हाथों से 3 बार क्लैप करनी है। 1 2 3 1 2 3 4 4 पोजीशन पे मेरा पैर जो है वो ऐसे हो गया। 1 2 3 4 तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ। अब आप जब घूम रहे हैं 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। गरबा जो है उसमें आपके पैर जो है वो इसी तरीके से चलते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 जब भी आप आगे और पीछे के स्टेप्स करते हैं तरीके से दिखेगा। 1 2 1 2 तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ और आपको अगले वाले को कोहनी मान रही है, बस यही सिंपल सा स्टेप है। तो ये हाथ से आप अपना लहंगा पकड़ेंगे और इस हाथ से कोहनी को मारेंगे। पैरों की स्टेप भी सिंपल ही रहेगी। 1 2 3 4 तो ये है हमारा चौथा स्टेप। तो अब है हमारा पांचवा और आखिरी स्टेप। तो लेफ्ट फुट पूरा जमीन पे, राइट फुट ओपन, हाथ ओपन, पैर ओपन। अब नीचे, हाथ नीचे, राइट फुट जो है वो मेरा पीछे चला गया है, लेफ्ट फुट अपनी जगह पे है, ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। 1 2 तो ये था मेरा पांचवा और आखिरी स्टेप। आशा है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं और गरबा के स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा।